तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए है और आने वाले टाइम पे ये सबको मिल जाएगा। क्या यह फीचर है, क्या मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए अपडेट, नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में या जाना है आपको अपने मोबाइल के आई स्टोर में, अपने व्हाट्सएप को आपको अपडेट कर लेना है। ये जो फीचर आया है फिलहाल बीटा यूजर के लिए आया है और बाद में सबको रोल आउट कर देंगे। तो इस फीचर का जो नाम है दोस्तों ये है ग्रुप प्रोफाइल आइकन। ग्रुप प्रोफाइल आइकन नाम से ये नया फीचर यहाँ पर अलॉट किया गया है और ये आपको मिल जाएगा। मतलब फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए आया है, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो अभी आपको ये नहीं मिलेगा। तो कैसे ये काम करेगा ग्रुप प्रोफाइल आइकन वाला फीचर, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चल लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको चले जाना है किसी अपने ग्रुप में। अब किसी भी ग्रुप में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी अब मैसेज आएगा तो आपको उसके बगल में आपको आइकन दिख रहा है जो कि पहले नहीं आता था। अब आप तो दोस्तों ये जो नया फीचर है वो है ग्रुप फोटो आइकन का, या बोल सकते हैं ग्रुप प्रोफाइल आइकन का। यहाँ पर दोस्तों इस नए फीचर में क्या किया गया है, जब भी अगर कोई भी ग्रुप में कोई मैसेज करता है या कोई कांटेक्ट वाला आपके नंबर सेव हो या ना हो तो उसकी प्रोफाइल पिक आपको अब ग्रुप में ही मिल जाएगी डायरेक्टली। आप देख सकते हैं जैसे ये दिख रहा होगा और सिंपली आप टैप करके वो फोटो को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। आपको उसके प्रोफाइल में जाने की जरूरत नहीं है, नंबर आपके पास सेव हो या ना हो या उसका उसके पास आपका नंबर सेव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इस ग्रुप में जुड़ा है तो आप उसकी डायरेक्टली फोटो यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं। तो ये अभी लेटेस्टली नया फीचर रोल आउट किया गया है। फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए आया है और बीटा यूजर में भी सबको रोल आउट नहीं हुआ, कुछ कुछ लोगों को रोल आउट किया गया है। तो ये फीचर मुझे काफी खास लगा क्योंकि हम बहुत सारे ग्रुप में ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं जिसमें हम लोग कुछ लोगों को जानते भी नहीं है और वो मैसेज करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है यार ये मैसेज किसने करा है, कौन है, क्या है। तो उसको जानने से अच्छा आप सिंपली उसके प्रोफाइल पिक पर टैप करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मैसेज भेजने वाला कौन है। ये फीचर मुझे बहुत शानदार लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह फीचर आपको कैसा लगा और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वह डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।